पांच सूत्री मांगों को लेकर कोल कर्मियों का गुरुवार से 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो चुका है। बुधवार को कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ ट्रेड यूनियन नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्री ने यूनियन नेताओं से कहा था कि कॉमर्शियल माइनिंग समय और देश की जरूरत है, इससे कोल इंडिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंत्री के इस जवाब से यूनियन नेताओं का वार्ता विफल हो गया। वहीं वार्ता विफल होने के बाद ट्रेड यूनियन के नेताओं ने कहा कि 14 दिन पहले हड़ताल की नोटिस सौंपी गई थी और हड़ताल से एक दिन पहले वार्ता किया गया। इससे साफ पता चल रहा है कि मजदूरों के मुद्दों पर सरकार का रवैया गंभीर नहीं है, इसलिए 2 जुलाई से मजदूर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। मजदूरों ने कहा, हड़ताल टालनी है तो सरकार कॉमर्शियल माइनिंग के फैसले को वापस ले। मजदूरों ने इन 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल किया है। मजदूरों ने कहा, कॉमर्शियल माइनिंग का निर्णय तत्काल वापस हो, ऑल इंडिया के निजीकरण के प्रयास बंद हो, CMPDIL को कोल इंडिया से अलग ना किया जाए, मेडिकल अनफिट के तहत आश्रितों का नियोजन चालू हो, ठेका मजदूरों को अनुशंसित वेतन का भुगतान हो। वहीं RCMS के प्रेसिडेंट SK साही ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है। पूंजीपतियों के इशारे पर कोल इंडिया को आर्थिक रूप से पंगु करने के लिए कॉमर्शियल माइनिंग करने पर आमदा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेट्रोल, कोयला, रेलवे, हवाई जहाज, दूरसंचार तक को निजी हाथों में देने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कॉमर्शियल माइनिंग का केंद्र सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया है, इससे कोयला उद्योग और कोयला कामगार बर्बादी की कगार पर चला जाएगा। कोयला पूरी तरह से निजी कंपनियों के नियंत्रण में चले जाने से मजदूरों का महत्व घटेगा और शोषण बढ़ेगा। वहीं इंटक के नेता कालीचरण यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार को सद्बुद्धि हो कि वो कोयला परिवार से टकराव को छोड़कर कॉमर्शियल माइनिंग के प्रस्ताव को वापस ले और कोल इंडिया को आर्थिक रूप से मजबूत करे। उन्होंने कहा कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में रजिस्टर्ड यूनियन ने मजबूती और ईमानदारी से 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मजदूरों के हड़ताल पर जाने से उत्पादन और डिस्पैच पूरी तरह ठप रहेगा। इस हड़ताल में कोल इंडिया के 3.5 लाख स्थायी मजदूर और लगभग 3 लाख ठेका मजदूर इस हड़ताल में अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। एक छोटा कोयला ना तो उत्पादन होगा और ना ही डिस्पैच। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस हड़ताल से कोल इंडिया को लगभग 500 से 1000 करोड़ का नुकसान होगा, जिसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। यही नहीं, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले चुनाव में मोदी सरकार की कुर्सी तक बचानी मुश्किल हो जाएगी। यह राष्ट्रव्यापी 3 दिवसीय हड़ताल कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में हो रहा है। भारत सरकार कॉमर्शियल माइनिंग कर रही है, जिसके तहत कोल ब्लॉकों को प्राइवेट लोगों के आवंटन कर रही है। कॉमर्शियल माइनिंग से जो नुकसान होगा उसमें प्राइवेट मालिकों को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह कोयला का उत्पादन एवं बिक्री स्वयं करे। पहले जो कोल ब्लॉक आवंटन होता था उसमें सिर्फ उत्पादन का अधिकार प्राइवेट मालिकों को होता था और बिक्री जो है कोयला का बिक्री मैनेजमेंट स्वयं किया करते थे। इससे श्रमिकों को काफ़ी क्षति होगी। अगर प्राइवेट माइंस के द्वारा कोयला का उत्पादन और बिक्री का अधिकार होगा तो उसका लागत मूल्य बहुत कम आएगा, क्या है कि उस प्राइवेट माइंस में 5000-6000 वेतन पाने वाले श्रमिक कार्य करते हैं, जबकि हमारे कंपनी में 50-60 हज़ार रुपये से वेतन किसी का भी कम नहीं। हमारा उत्पादन कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, उसका उत्पादन कॉस्ट कम पड़ेगा। दूसरी समस्या है कि तमाम पब्लिक सेक्टर को भारत सरकार निजीकरण की ओर ले जा रही है, तो यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल इसी सब संबंधों को लेकर के है। तीसरा मुद्दा है कि जो मृत श्रमिकों के आश्रितों को नौकरी दी जाती है वह भी बंद करने पर तुली हुई है प्रबंधन, और जो हमारा उद्योग है BCCL, CCL, WCL, MCL, NCL ये सब को जो है CIL से बाहर करने जा रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। 3 दिवसीय हड़ताल आज सिर्फ एक टेलर है, अगर इसके बावजूद भी सरकार नहीं झुकी तो हम लोग एक निर्णय पर जाएंगे, हो सकता है हड़ताल लंबा भी चल सके। देखिए, जहाँ तक हड़ताल की बात है, हड़ताल 100% सफल रहा, और ये जो हड़ताल आपको मालूम होगा कि कमर्शियल माइनिंग के विरोध में जो केंद्र सरकार जो कमर्शियल माइनिंग जो लागू कर रहा है
उसी का विरोध में आज ये हड़ताल सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन और भी जो हमारे क्रॉप यूनियन जो हमारे साथी है यूनियन के सभी लोग इस हड़ताल में शामिल हैं और आज का हड़ताल 100% सफल रहा और आगे कल और परसों भी जो है कि सफल रहेगा। जहां तक कमर्शियल माइनिंग की सवाल है, निश्चित तौर पर इसमें हम कहना चाहेंगे कमर्शियल माइनिंग जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लागू किया है ये नहीं होना चाहिए था। जो देश के जनता 130 करोड़ जनता और जो मजदूर उनको चुन के प्रधानमंत्री बनाया, ये जनता और यहाँ के मजदूर नहीं जानते थे कि मजदूरों के साथ इस तरह का व्यवहार प्रधानमंत्री का होगा। आज प्राइवेट कंपनियों की देने की जो बात चल रही है, सारे माइंस करीब करीब हम समझते हैं कि बंद है। ये बंद इसलिए किया जा रहा है कि बड़े बड़े उद्योगपति टाटा बिरला अडानी और अंबानी जैसे लोगों को देने की जो साजिश चल रही है, निश्चित तौर पर हम यहाँ के जो भी मजदूर हैं, जो भी हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथी हैं, वो सभी इसका विरोध करते हैं और करेंगे भी। और आने वाला दिन में देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको यह सबक लेना होगा, देश की जनता और यहाँ के मजदूर उनको बताएगा आप जो मजदूरों के साथ इस तरह से जो खिलवाड़ कर रहे हैं इसको कभी मजदूर माफ नहीं करेगा।